भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय को कोविड अस्पताल के लिए अधिसूचित कर दिया है, जहां पर 200 बेडों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला आयुर्वेदिक अस्पताल व बिलासपुर पीजी कॉलेज के बॉयज हॉस्टल को कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है, ताकि विकट परिस्थितियों में कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में कोविड के जो केसेस हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और ज़िला बिलासपुर भी इससे छूटता नहीं है, और हमारे पास भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में भी हमारे पास 521 केस हैं, वो एक्टिव केसेस हैं, जो कि रिसेंटली जो फरवरी में हमारे सिर्फ 44 रह गया था, अब ये बढ़ के फिर से 521 पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से केस बढ़े हैं, और इसको कोविड के प्रकोप को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट सारी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में है, तो सबसे पहला तो यही किया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं उनको मेडिसन्स और उनको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मिलें, और डेली उनका हालचाल पूछा जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, आए किसी को, तो टाइमली उसको शिफ्ट किया जाए। तो इसकी और तो खास तवज्जो दी जा रही है, और हमारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स, आशा वर्कर तक उनसे रबता डेली कायम कर रहे हैं। और लेकिन केसेस क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर है जो घुमारवीं में, यहाँ पे भी अब प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगा है। मीन्स इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो ज़्यादा हो गई है, और पहले हमारे पास ये लगभग खाली रहते थे फरवरी के महीने में, लेकिन अब ये दोबारा से भरने लगे हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से अब 200 बेड का जवाहर नवोदय विद्यालय, उसको डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा हॉस्पिटल, इसको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, ये और एक बॉयज़ हॉस्टल है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उसको भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना दिया गया है। तो ये जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है और डिग्री कॉलेज का जो हॉस्टल है, यहाँ पे दोनों में मिला के 75 बेड्स होंगे, 75 बेड टोटल होंगे, 25 आयुर्वेदा हॉस्पिटल में और 50 डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में। तैयार करने में हम लगे हुए हैं। हम चाहते तो नहीं कि इतने केसेस हमारे बढ़े, हम चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आए और इनकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।